वेलकम बैक फ्रेंड्स। और पार्ट थ्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जिसके अंदर मैं आपको एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना सिखाऊंगा, जिसमें आपको जो रेशो दिया हुआ है वो 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको क्लियर दिखाई देगा, अभी क्लिप के पीछे लिखा हुआ था। तो रेशो है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ADS BDC। वैसे हम मैंने पार्ट टू में दिखाया था कि ADS BDC इट मीन्स ये हमारा आंसर वाला ट्राइंगल है, हैविंग रेशो 7:5 ऑफ अ ट्राइंगल ABC ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब फिलहाल हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक चीज़ का तो हमें पता चल गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 7:5 दिया हुआ है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर है वो बड़ा है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल हमारे क्वेश्चन वाले ट्राइंगल से, इट मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल होगा हमारा 5, 6, 7 सेंटीमीटर का ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल से हमारा ट्राइंगल ADS BDC है वो बाहर की ओर बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर है वो बड़ा है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कुछ नई बातें हैं, मैं आपको स्लोली स्लोली सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक, आपको फाइनली इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक रफ प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे ये बनेगा हमारा ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ब्लैक पेन से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। मैं इस क्लिप को निकाल लेता हूँ, मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। ओके फाइन, अब ये ट्राइंगल ABC हमारे पास रफ मैंने बना लिया है। ये AB = 5 था, 6 सेंटीमीटर, देन इट इज 7 सेंटीमीटर, राइट। पहले हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और फिर हम ये ट्राइंगल, अब जो हमारा ये तो हो गया आपका क्वेश्चन वाला ट्राइंगल, और हमारा जो आंसर वाला ट्राइंगल बनेगा वो इससे थोड़ा बाहर, मतलब ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे 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 बनेगा ये ट्राइंगल, इस तरीके से ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा बाहर की ओर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है BC = 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे BC = 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। हो सके तो आप कंस्ट्रक्शन करते वक्त पेज के सेंटर में जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आप सेंटर में ही वर्क करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए मैं पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, नाम देना है आपको इसका BC, राइट। ओके, अब यहाँ पे AB = 5 सेंटीमीटर है। मैं आपको ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करूँगा, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको लाइन और आर्क लगाना तो आता ही है। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो मैं ये 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेता हूँ कंपास के अंदर। चलिए ये 5 मेजरमेंट ले लिया। ओके, अब यहाँ से ये मुझे बी को रेडियस मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक आर्क मुझे लगाना है। आर्क हमेशा बड़ा लगाइए ताकि ये तुरंत बाइसेक कर ले। और सामने की साइड जो AC था, AC 7 सेंटीमीटर था, फिर हमने 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया, और मैं ये मेजरमेंट ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर का। ओके, और मुझे सी को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक आर्क लगाना था। देख सकते हो आप, सी को मैंने स्टील वाला पॉइंट रखा हुआ है और यहाँ से मैं आर्क लगा रहा हूँ। और फाइनली मुझे यहाँ पे, आपको आर्क दिख नहीं रहा है शायद से, बहुत ही हल्का मैंने आर्क लगाया है इसके अंदर। ओके फाइन, अब आपको दिख जाएगा, मैंने ऑटो फोकस कर दिया उसके ऊपर। ओके, ये पॉइंट आपको मिल गया है, इस पॉइंट को नाम देना है, आपको बी मिल गया, सी मिल गया, तो ये आपका ए हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने तो कंस्ट्रक्शन में पेन का यूज़ किया है, बट आपको तो पेन को टच भी नहीं करना है कंस्ट्रक्शन में, राइट, ये बात आप ध्यान रखें। फिर ऐसा मत बोलना कि सर ने सिखाया तो हम भी पेन से कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो भी कुछ करोगे सारा कुछ रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हम 45 डिग्री का एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं,
जितनी आप एक्यूरेसी रखोगे आपका कंस्ट्रक्शन इतना ही अच्छा आएगा, राइट। ये 45 हो गया। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा रे एम आ गया, फाइन। चलिए अभी यहाँ पे 7 और 5 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 7 आर्क लगाएंगे। अपने हिसाब से कुछ मेजरमेंट ले लीजिए। ओके, मैंने इतना मेजरमेंट ले लिया है, अब हम इसको आर्क लगाएंगे। आर्क 1, आर्क 2, आर्क 3, आर्क 4, आर्क 5, आर्क 6 एंड आर्क 7। ये थोड़ा सा मैंने लाइन छोटी बनाई है तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। आपको शायद से दिख रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नोटबुक और कैमरे में ध्यान देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए अब मेरे पास सारे आर्क्स आ गए हैं, मैं ब्लैक पेन से आपको दिखा देता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड ये A7। इस पॉइंट को मैं हटाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ AM। ओके, तो अभी हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, 7 एंड 5, मतलब हम ये 7 और ये 5, हमें इन दो आर्क की ज़रूरत है और किसी आर्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से, अब मुझे मालूम है कि मेरा जो ट्रायंगल है वो बाहर बनने वाला है, ठीक है। तो बाहर, जब भी कोई ट्रायंगल बाहर बन रहा होता है तो आप क्या करो, छोटे वाले आर्क को लास्ट पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखो मेरे पास दो आर्क थे, 5 एंड 7, तो मैं छोटे वाले आर्क को, इन दोनों में छोटा वाला आर्क कौन सा है, छोटे वाले आर्क को, मतलब ये 5 को, छोटे वाले आर्क को मैं लास्ट पॉइंट मतलब सी से कनेक्ट करूँगा। ये मैंने कर दिया सी से कनेक्ट। ओके, राइट। अब इस लाइन को थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर देना है, तो चलिए हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा यहाँ पे 7 बड़ा है तो ट्रायंगल हमारा बाहर बनने वाला है, तो हमें आप ये लाइन को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस अब मुझे क्या करना होगा कि A7 से मुझे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल A5 की लाइन से पैरेलल आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये ड्रॉ कर लिया मैंने सेमी सर्कल, वही मेजरमेंट लेकर मैं A7 से भी सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं इस दोनों का मेजरमेंट ले रहा हूँ, देखो ये इतना मेजरमेंट ले लिया। अब वही मेजरमेंट से आप यहाँ पे आर्क लगा दीजिए, तो फिर आपको यहाँ से देखो दो पॉइंट मिल गए मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी पैरेलल लाइन आ चुकी है और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, देखो ये सी डैश है, ये सी है, तो ये हो जाएगा आपका सी डैश, राइट। अब मुझे एक और लाइन, जो मतलब AC से यहाँ पे एक और लाइन पैरेलल आएगी, देखो यहाँ पे लाइन एक पैरेलल आ रही थी, तो यहाँ से AC से एक और लाइन पैरेलल आएगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, राइट। तो चलिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाए और ये ड्रॉ हो गया। फिर CDS को सेंटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाए, ये हो गया। अब हम इन दोनों का एंगल का मेजरमेंट ले लेते हैं, चलो ले लिया, वही मेजरमेंट यहाँ पे ले लेना है, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, स्केल से उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये लाइन मुझे मिल रही है, फाइन, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस लाइन को भी
इस ए बी वाली लाइन को भी क्या करना है, एक्सटेंड करना है ऐसे। तो ये ए था, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि आप में से आपने आंसर वाला ट्रायंगल कौन सा बनाया। वैसे सेवन बाहर था तो हमने ए बी सी, तो ये तो हमारा क्वेश्चन वाला ट्रायंगल था, और सेवन बाहर था मतलब ट्रायंगल है वो क्वेश्चन वाला ट्रायंगल से बाहर की ओर बनने वाला था, तो हमारा ये ए डैश बी सी डैश वाला ट्रायंगल बन चुका है। ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल आंसर हुआ, आप देख रहे हो ये बड़ा ट्रायंगल है वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे अगर छोटा नंबर होता है तो आप लास्ट आर्क को इससे कनेक्ट करोगे, और अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता है तो आप छोटे आर्क को लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करोगे। बस बाकी जो स्टेप्स हैं वो एज इट इज़ हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। न्यूमरेटर बड़ा होता है तो ट्रायंगल बड़ा बनता है, न्यूमरेटर छोटा होता है तो ट्रायंगल छोटा बनता है, एल्स सारे स्टेप सेम है। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम बैठे हैं, आप हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। फिलहाल इसमें कुछ डाउट वाली कुछ बात है ही नहीं, फिर भी कुछ डाउट है तो हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। बट अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको क्वाड्रिलेटर का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी चार साइड, चार एंगल, चार वर्टेक्स होते हैं, और ये क्वाड्रिलेटर की एक बड़ी सी फैमिली है जिसके अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारे शेप्स आते हैं, राइट। अब क्वाड्री का मतलब होता है चार, मतलब क्वाड्री लेटर के अंदर चार एंगल होंगे और चारों एंगलों का सम 360 होना चाहिए। इतना आपको नॉलेज हो या है, या आपके पास इतना नॉलेज आप जानते हो, ऐसा हम मान के चलते हैं, और हम पार्ट फोर के अंदर आपको मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट बताएंगे कैसे करना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।